मैं मोहम्मद मुस्तफा रिजवान आज एक ऐसी यानी एक दो तीन दिन से हम ये न्यूज़ सुन रहे कि हैदराबाद में पब का इंसिडेंट जो रोमानिया की लड़की के साथ जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में सुन रहे, जिससे बहुत जो है दिल को तकलीफ हो रही। इसकी वजह क्या है और इसके पीछे कौन है? इसकी वजह तो एक है कि मैं एक वरिष्ठ वोटर होना, जिससे मैं बेकार नाकारा निकम्मे लीडरों को चुनने से वो लोग वैसे आने के बाद ही ऐसे कामा हो रहे, समाज में ऐसे कामा हो रहे। जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। उनके वो जो लड़के हैं उनके माँ बाप, सुनने में आ रहा कि एक कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और कोई एमएलए है, कोई और है, इस तरह के लीडर्स हैं। ठीक है, तो तुम लोग लीडर आ रहे तो बहुत बड़े उखाड़ू आ रहे तुम लोग। तुम लोग ये काम आ करने के वास्ते मेरा सुपर पावर वोट डलवा लेके तुम लोग लीडरा बन के ये काम आ करने के वास्ते लीडरा बने रहे तुम लोग। ये कामों के लिए तुम लोग वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना रहे। तू वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कैसा रहे? तू तेरे कौन बनाए रे? अब वो तो मैच बनाया। मैं सुवर हूं, मैं डुक्कर हूं, मैं नाकारा निकम्मा कुत्ता हूं मैं, लेकिन तुम लोग तो इंसाना है ना रे? हाँ, फिर तुम लोग इंसाना है तो इंसानों के जैसा कहीं को नहीं कर रहे रे, मेरे जैसा डुक्कर के जैसा कहीं को कर रहे रे तुम लोग। हाँ, इसलिए तुम लोग बेटों को पैदा करे, तुम्हारे बेटों को यही सिखाए रे तुम लोग। जाओ जाके मासूमों पे, औरतों के ऊपर जुल्म करो, अत्याचार करो बोल के सिखाए रहे तुम लोग। ये पूछ रहा हूं मैं, सही बाप की औलाद है रे तुम लोग लीडरा? यानी जो कुछ भी इस इंसिडेंट के पीछे है, इन इंसिडेंट के जो जिम्मेदार है उन लोगों को पूछ रहा हूं मैं, सही बाप के है तो तुम्हारे औलाद भी तुम्हारी छाए बोल के बोले तो तुम लोग सच्चाई का साथ देना रे, पुलिस वालों का साथ देना और वो लोगों को जो तुम्हारे बच्चे जो कुछ भी करे उन लोगों को लेके आके वो तुम खुद वहां पर सरेंडर करके तुम्हारी सच्चाई को साबित करो रे तुम लोग। कई को गोवा भगा दे रहे, कई को कर्नाटक भगा दे रहे, कई को दुबई भेजा दे रहे। वो कोई है लीडर रघुनंदन बीजेपी का है, वो बेचारा वो बता रहा, वीडियोस बता रहा, गाड़ी के सब बता रहा। तो तुम लोग घरे सुतना करके फिर उसको हो सकता कि तुम लोग डरा के धमका के पुलिस वालों को खरीदने की कोशिश करके बचने की कोशिश करेंगे तुम लोग। लेकिन नहीं, मैं पुलिस वालों को पूरा सपोर्ट, हर तरह से सपोर्ट, क्योंकि पुलिस वाले भी अपनी सच्चाई को साबित करने वाले हैं। हम लोग सच्चाई का साथ देने वाले हैं बोल के साबित करने वाले हैं वो लोग। उन लोगों के आड़े मत आओ, सीधा सीधा वो लोगों को लेके आके पुलिस के सरेंडर करो और अपनी सच्चाई को साबित करो। ये काम करने के लिए लीडरा बन रहे तुम लोग। मेरा सुपर पावर है रे वो, मेरा सुपर पावर, एक एक वोटर एक एक सुपर पावर होता रे नालायक हूं। हाँ, चमचागिरी चापलूसी वगैरह करके ऐसे लीडर गिरिया ऐसे बोड़ा ले लेके तुम्हारी औलाद को उधर छोड़ देते रे। तुम्हारे बेटे ऐसे काम करे तो तुम्हारे बेटियां क्या कर रहे होंगे रे? कैसे होंगे वो लोग, क्या कर रहे होंगे? हाँ, सुनने के लिए बहुत खुशी होती नहीं तुम लोगों को? यानी बेटे ऐसा कर रहे हैं तो बेटियां और कुछ भी कर रहे होंगे। वो लगा भी पब को जाते, वो भी माइनर। वाह, क्या सिखाए रहे तुम लोग?
बड़े बड़े स्कूलों में, महंगे महंगे स्कूलों में, महंगे महंगे इंस्टीट्यूशनों में पढ़ा के ये काम सिखा रहे तुम लोग। उससे तो मैं गया गुजरा निहायत ही घटिया किस्म का नीच कमीना हलकट। मैं मोहम्मद मुस्तफा रिजवान सुवर डुक्कर कुत्ता होता है कि नहीं, मैं बेहतर हूं ना तुम लोगों के जैसा? तुम लोगों के जैसा तो नहीं ना, मैं वोटर हूं, मेरे वोट पावर से तुम लोग लीडर बन के ये काम कर रहे रे तुम लोग। पुलिस वालों के आड़े मत आओ, उनके इन्वेस्टिगेशन को आड़े मत आओ, क्योंकि वो लोग अपनी सच्चाई साबित करने वाले हैं। और आगे भी याद रखो, हर वो लीडर याद रखो, यही कि वो वोटर जो तुम लोगों के पास से हर वो शेरगिरी, बब्बरगिरी, लीडरगिरी, ये सब कुछ जो कुछ भी है वो वोटर का है, वो सब कुछ छीन लेने वाला आ चुका, वो वोटर आ चुका। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मेरा है, यानी वोटर का है, वो सब कुछ तुम्हारे पास से छीन लूंगा और खींच लूंगा। हर वो लीडर याद रखो, सीधा सीधा वो लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। तुम लोग देख लो, आड़े आना है वोटर को, आड़े आना है तो आ जाओ, कोई एतराज नहीं है। कोई भी आज तक जिंदा बच के कपड़े पहने सो मैं आंखों से नहीं देखा। चार लोग जनाजा उठा लेके जाके गड्ढे में डाल दिया, उन्हें मारा, उन्हें गड़ा, उन्हें खत्म हो गया, ऐसा ही सबूत देखा मैं। पुलिस वाले अपनी सच्चाई को साबित करने वाले, और तुम लोग भी सच्चे हैं तो उस बात को साबित करके बताओ। ये सबूत मैं देखना चाह रहा हूं तुम लोगों का। यही है, गोवा भिजा दे रे, दुबई भिजा दे रे, अरे क्या रे, पैसा कमा के तुम लोग क्या कमाए रे, काय की कमाई कमाए रे तुम लोग। फिर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वाह 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 रे, मेरे को हाथ नहीं होता रे, मेरे को हाथ नहीं होता, मेरे को हाथ नहीं होता बोल रहा ना, लेकिन तुम लोगों में कितना दम है, मेरे को करो रे, कोई बात नहीं, मेरे आड़े आते आओ, लेकिन पुलिस वालों के आड़े मत आओ, मेरे आड़े आ रहे ना आओ, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, मेरे को हाथ नहीं होता ना, मेरे कुछ हाथ नहीं होता, लेकिन तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में जितना दम है उतना करना, मैं देखना चाह रहा हूँ तुम लोगों में दम कितना है। मेरे को हाथ नहीं होता ना, ए देखो मैं ऐसे मारे मारा खा लेता हूँ, मेरे को जैसे तुम्हारे जोरू, तुम्हारे पूरे खानदान के, तुम्हारे पूरों की गालियां, बद्दुआएं मेरे को लगते कि नहीं रे, मैं जहन्नुम में चले जाऊं परवाह नहीं, तुम लोगों के गालियां बद्दुआएं मेरे को होना रे, मैं मोहम्मद मुस्तफा रिजवान मरूं मेरे को होना, तुम लोगों के बद्दुआएं मेरे को होना, तुम लोगों के बद्दुआओं से मैं दोजख में चले जाऊं कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम लोग मेरे को क्या करते करो रे, चलो बोल दिया मैं, तुम्हारा दम देख लेंगे। हाँ मेरे को हाथ नहीं होता, मैं बोल दिया मेरे को हाथ नहीं होता, मैं सिंगल, मेरे पीछे ना पुलिस, ना पैसा, ना पॉलिटिकल, ये कुछ नहीं रे, मैं सिंगल रिजवान, सिंगल ओनली वन। लेकिन तुम लोग सच्चे हैं तो तुम लोग साबित करके बता लियो रे, और तुम्हारे में दम कितना है करके बताओ। आई एम रेडी, मैं यहां हूं एनी टाइम, मैं मोहम्मद मुस्तफा रिजवान, जय मैं हिंदुस्तान।